भारत में 1 जुलाई 2022 से 120 माइक्रोन से कम मोटाई वाला प्लास्टिक बैग बैन कर दिया गया, जिसको लेकर समय पर देश में जागरूकता और चालान काटने जैसे अभियान प्रशासन द्वारा चलाए जाते हैं। इसके बावजूद प्लास्टिक बैग का चलन थम नहीं रहा। क्या कारण है जानते हैं इस खबर के माध्यम से। आज नगर निगम के कुछ कर्मचारियों द्वारा बल्लभगढ़ मैन बाजार में प्लास्टिक बैग लेकर दुकानदारों पर छापेमारी की गई, रेड़ी पटरी और दुकानों में जांच की गई, जिसको लेकर दुकानदारों में रोष दिखाई दिया। उनका कहना है कि आए दिन निगम कर्मचारी उन्हें परेशान करने आ जाते हैं, लेकिन वो इस समस्या का हल नहीं बताते। उनका ये भी कहना था कि जिस होलसेल की दुकान से वो प्लास्टिक बैग खरीदते हैं, ये उन पर कोई कार्यवाही नहीं करते, जिसके चलते हमें प्लास्टिक बैग का ही इस्तेमाल करना पड़ता है। वो अपनी कार्यवाही प्लास्टिक बैग बनाने वाली कंपनी वर्थॉक विक्रेता पर सही से करें, जिससे जो प्लास्टिक बैग भारत में बैन है उनका चलन अपने आप ही समाप्त हो जाएगा। नंबर वन बात ये, इनका अधिकार है जी, रोज आ सकते हैं, 24 घंटा आ सकते हैं। सेकंड बात ये, इनके पास कोई सैंपल नहीं है, अभी फिलहाल फोटो है और सैंपल हाथ में होगा ना, जैसे ये मैं दुकान से लाया अपनी, ये पास है क्या, इस पर कोई लिखत नहीं है, पास है नहीं, ठीक है। इनके पास सैंपल होगा तो जितने दुकानदार खड़े हैं इस सब लाएंगे, और ये हमें बताएं कहाँ से मिलेगी, ये हम खुद लेके आएंगे, और ये हमें अल्टीमेट देके जाए 10 दिन का, मार्केट में अवेलेबल होना चाहिए, अवेलेबल होने के बाद 10 दिन का टाइम दिया जाए हमें, और जब हमारे पास अगर प्लास्टिक ना मिले तो हमारे चालान काट दिया जाए, घुसते ही चालान काट दो, जो डैडी वाला है। नगर निगम वाले क्या करते हैं कि आकर के लोगों का चालान काटते हैं दुकानदार भाइयों का, जबकि इन्हें स्कूलों में जाकर बच्चों को सिखाना चाहिए कि पॉलीथीन दुकानदार से ना मांगे, पॉलीथीन को बैन करो, पॉलीथीन हमारे लिए नुकसानदायक है। ये आते हैं दुकानदारों के चालान कर देते हैं, जैसे कि देखा गया है होलसेलर जो होते हैं, बड़े व्यापारी जो होते हैं वो तो बंद करके चले जाते हैं, इसमें छोटे व्यापारी इसमें फंसते हैं और उनके चालान जबरदस्ती काटे जाते हैं, इसमें क्या कहना है आपका? इसका ये नाजायज है इनका, ये तो अपने दाम बनाते हैं जी, कुछ नहीं करते ये। वही नगर निगम अधिकारी ने बताया कि वो जो भी प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल करता है तो उसका चालान किया जा रहा है। जब उनसे पूछा गया कि जब आप छापेमारी करने निकलते हो तो प्लास्टिक बैग के थोक विक्रेता को कैसे पता लग जाता है कि आप छापेमारी करने आ रहे हो, और वो अपनी दुकानें बंद करके वहाँ से रफू चक्कर हो जाते हैं, तो इस पर उन्होंने जवाब दिया, आज नहीं तो कल हम उन थोक विक्रेताओं पर कार्यवाही करेंगे। अब देखना होगा कि क्या नगर निगम द्वारा चलाए जा रहे चालान काटो अभियान से प्लास्टिक बैग पर रोक लग पाएगी, या ये अभियान नगर निगम की जेब भरने के लिए ही रहेगा। ये माननीय आयुक्त महोदया के आदेश है, भी आप मार्केट बाजार और होलसेलर और फ्रूट मंडी सब्जी मंडी में जाकर पॉलीथीन कैरी बैग है जिसको प्रतिबंधित है, जो सरकार ने बैन की है, उसके आपने चालान करने है, पॉलीथीन जब्त करनी है। तो किस तरह की पॉलीथीन ये यूज कर सकते हैं आप? केवल कंपोस्टेबल पॉलीथीन कैरी बैग यूज कर सकते हैं, जिसका 6 महीने के अंदर खाद बन जाता है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ना कि सरकार द्वारा। कब तक कितने चालान करे हैं? कल हमने 400 चालान किए थे और उस पर 25 लाख रुपए का जुर्माना किया, और आज हम सुबह से कम नहीं लग रहे, अभी अलग अलग फील्ड में जाकर चालान करें, जैसा कि माननीय आयुक्त महोदय ने उनके दिशा निर्देश दिए हमें चालान करें। नहीं, कुछ लोगों को परेशानी भी हो रही है कि जैसे कि भाई उनको परेशानी होगी, भैया जब सरकार ने बंद कर दी क्यों चला रहे हैं, जब प्लास्टिक सरकार ने बंद कर दिया तो क्यों चला रहे हैं, उसका अल्टरनेट आ गया, कंपोस्टेबल आ गया, उसको चलाओ जिसका खाद बन जाता है। ये गोदाम है, वो अब गोदाम है जो उन पर भी, उन पर नहीं है ये छोटे होलसेलर, हम होलसेलर पे भी कार्रवाई कर रहे हैं। मैंने खुद ने 2 महीने पहले होलसेलर और जो फैक्ट्री है उन पर मोटा मोटा 1-1 लाख रुपए का चालान किया है, मैंने खुद ने वहाँ जाकर चालान किया, 5 लाख का चालान किया, 5 टन पॉलीथीन वहाँ पर जब्त की है। ऐसा नहीं है, अब जिस तरह आप बाजार में आए हैं, जहाँ जो यहाँ पर होलसेलर है, जिस तरह होलसेलर है यहाँ पर, वो यहाँ पर दुकान बंद करके चले गए, होलसेलर के पास कहीं से कोई सूचना आ गई और दुकान बंद करके भाग गया, तो आप किस तरह की वो दुकान खोलेगा, उसको दोबारा पकड़ेंगे? होलसेलर हमारी कोई उससे रिश्तेदारी छोड़ नहीं, या उनसे ना ही हमारी कोई दुश्मनी है, ठीक है, हम उसको छोड़ेंगे नहीं, बंद करवाएंगे, अब नहीं आएंगे, शाम को आएंगे, आज नहीं है मिलेगा, कल मिलेगा, कल नहीं मिलेगा, परसों मिलेगा, उसका चालान जरूर करेंगे।